सो गाइस, हम लोग बहुत दिनों के बाद हम लोग जो है अपने ये सेकंड आईडी को खोला था किसी रात को, क्योंकि मेरे को इस आईडी पे खेलने का मन कर रहा था कस्टम, इस पे ये वाला बनी वाला बंडल पहन के। तो मैंने देखा इस पे कस्टम नहीं है, तो मैंने एक जो है मतलब नॉर्मल सीएस रैंक लगा दिया और मैं जो है गाइस गोल्ड में था, तो थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल बंदे आए थे। एंड इस आईडी को खोले हुए लगभग एक वीक, नहीं एक वीक नहीं होगा भाई, उतने दिन 3 4 दिन हो गया था गाइस, ठीक है, 3 4 दिन से खोला नहीं था। तो उसके बाद मैंने खोला इस आईडी को एंड मैंने गेम खेला, कस्टम खेलने का मन था, मतलब वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाने का जो इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो वो तो नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ हेडशॉट मार मार के जो है इस गेम को विन किया गाइस, कुछ इस तरह से देखो, इससे मेरा प्रैक्टिस भी हो गया थोड़ा बहुत पीसी का। तो उसके बाद गाइस मेरे साथ क्या सीन होता है आप लोग देखो गाइस, ठीक है। सो इसके बाद मेरा गेम जो है बैक हो गया एंड मैं गाइस यहाँ पे एमवीपी था गाइस, ओके। सो जैसे मैं गेम बैक करता हूँ तो उसके बाद मैं जो है गाइस डायरेक्ट ऑफलाइन चला जाता हूँ, मतलब इधर से गोल्ड 2 में चला गया मैं और उधर से डायरेक्ट मैंने गेम को क्लोज कर दिया था। तो उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट डे जो है उसी टाइम पे, उस टाइम से थोड़ा बहुत पहले मतलब गेम पे ऑनलाइन आता हूँ इस आईडी से एंड इस पे देखता हूँ गाइज, इस पे जो है एक ड्रॉप आया है। तो कौन सा ड्रॉप था आप लोग देखो गाइज, देख के शौक हो जाओगे। तो मेरे को ये सब मतलब आ रहा था गाइज, आप लोग देख सकते हो बैनर वगैरह, तो इसको मैंने क्लोज किया तो यहाँ पे बैजेस था, बैजेस को क्लेम किया एंड उसके बाद इसको जैसे ही हटाया गाइज, यहाँ पे मेरे सामने गाइज क्रिमिनल वाला एयर ड्रॉप आया था गाइस, जिसमें 29 रुपीज में 300 डायमंड मिल रहा था, चार चार क्रिमिनल का बंडल मिल रहा था, मतलब 96% ऑफ। तो मैं तो भाई एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि भाई ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा भाई, मतलब क्रिमिनल बंडल कैसे दे रहा है गरीना गाइस। मतलब आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्रिमिनल बंडल ही है, चार चार रेड है, ब्लू है, पर्पल है और यहाँ पे येलो क्रिमिनल, मतलब जो क्रिमिनल वाला इंक्यूबेटर है वो 29 रुपीज में मिल रहा है मेरे को। तो मैंने गाइस इसको परचेज कर लिया फटाफट से, मैं तो भाई बहुत ज्यादा खुश हो गया कि भाई ये क्या देख लिया मैंने, अब तो भाई ये तो रेयर रहेगा ही नहीं। फिर मैंने परचेस किया, फिर मैंने ओपन किया, फिर देखता हूँ गाइस, हाँ भाई सच में तो भाई चार चार क्रिमिनल बंडल और 300 डायमंड मिल गया भाई सच में। तो उसके बाद भाई मैं इसको ओके कर देता हूँ, मैं तो भाई मतलब अंदर ही अंदर मेरे इतना खुशी हो रहा था कि भाई क्रिमिनल बंडल कैसे मिल गया भाई, ये समान एड्रो में वो भी 29 का, तो मैं तो भाई बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर मैं तो भाई मतलब दबा के इमोट दिखाया क्योंकि भाई मतलब बहुत खुश हो गया था ना गाइस, तो इसलिए मैंने जो है इमोट मारा एंड उसके बाद देखा भाई हाँ 300 डायमंड तो आया है, तो क्रिमिनल बंडल भी आया होगा। तो मैंने गाइस यहाँ पे टच करके देखा कि भाई ये कहीं सपना तो नहीं है, फिर मैंने देखा नहीं भाई ये तो 300 डायमंड तो दिखा तो रहा है। फिर मैं सोचा कि भाई अब क्रिमिनल वर्डल चेक कर देता हूँ कि क्रिमिनल आया कि नहीं आया, तो मैंने क्रिमिनल को ढूंढा गाइज इधर, तो मैंने देखा भाई कहीं पे भी जो है क्रिमिनल वर्डल है ही नहीं, मतलब क्रिमिनल वर्डल कहीं पे है ही नहीं गाइज, ठीक है। तो मैंने देखा भाई क्रिमिनल तो आया था भाई चार चार, तो मेरा क्रिमिनल वर्डल किधर चला गया। मैंने जैसे ही यहाँ पे क्रिमिनल वाला सेक्शन पे आया तो गाइस यहाँ पे एक चीज लिखा आया गाइस, है सी बनाया करके देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने देखा कि भाई मेरा डायमंड भी गायब हो गया, मतलब जो 300 डायमंड थे वो भी गायब हो गया। तो मैंने यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा टैप किया कि भाई डायमंड तो एक बार आ जाए भाई, 300 डायमंड थे भाई। फिर मैंने यहाँ पे बहुत बार टैप किया बट आया ही नहीं गाइस डायमंड। तो उसके बाद गाइस मेरे को एक चीज सुनाई दिया और धीरे धीरे सुनाई देते 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 वो जोर से सुनाई देने लगा गाइस, तो वो क्या चीज था गाइस आप लोग। अरे उठ जा भाई, कितनी देर तक सोएगा भाई? क्या कर रहा है? सोए सोए इतनी देर तक सो रहा है भाई? क्या कर रहा भाई? ए भाई हेलो, उठ जा भाई, उठ जा। इसके बाद जाके मेरा नींद खुला एंड मैं देखा अरे भाई मेरा क्रिमिनल वगैरह सब गायब हो गया भाई, पैसे वैसे सब कुछ काट लिया भाई, ये सपना था। फिर मैंने देखा अरे भाई साहब ये तो सपना था भाई, ये कभी हो सकता है एयर ड्रॉप में क्रिमिनल, भाई मैंने सोच भी कैसे लिया था भाई। फिर मैं भाई कुछ देर भाई शांत बैठ गया भाई, मतलब